देखिए मतलब इट मींस भाजपा से कितनी उम्मीदें हैं सबको कि मतलब बिल्कुल ऐसे सही, मुद्दे पे, क्योंकि हम सरकार इसीलिए में हैं, दूसरी बार भाजपा मैं सरकार समझ रही दूसरी हूँ। बार सेंटर में है और यूपी में भी दूसरी बार बिल्कुल है। निस्संदेह लोगों बिल्कुल, की उम्मीदें हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो लोग चाहेंगे कि उनकी आप पूरी उनके पास सड़कें हो। क्यों घेर के बैठ जाते हैं, कोई नहीं ये बोल पूछना। सकता कोमल जी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र देश के वासी हैं, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरी आजादी हमारा संविधान देता है। बात करते हैं यहाँ हिंदू पे हमारा मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, भाईचारा है यहाँ पे, तो हिंदू मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चारा बन के रह गए, जी, भाइयों वाली बात कहाँ तो रह गई इसका है। मतलब ये है कि अजान से जो है साउंड पोल्यूशन होता है, अजान से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर ये बिल्कुल आप नहीं होते, मोहित कंबोज जैसे क्यों कह रहे हैं कि हम लोग हनुमान चालीसा सुनाने के लिए मुफ्त बीपी लाउड कौन सा स्पीकर अधिकार बांटे हैं। मुस्लिम लोगों को नहीं मिला हमारे देश में? जी सब मिले हैं आज जी, हम अगर लोगों आप का संविधान नहीं बनता नहीं नहीं है जी, आज अगर आप अधिकारों की बात करेंगे और ज्यादा बिल्कुल के ज्यादा वेटेज की बात करेंगे, तो उनको जी, अपनी माइनॉरिटीज के हिसाब से तो हमें सब दुख कुछ कुछ बात मिलता का है। होता है कि हमेशा एक कहते हैं ना, एक सामुदायिक को ही क्यों हम इतना ज्यादा हाइपर ले लेते हैं कि हमें जी बाकी और चीजें नजर नहीं आती। जहां हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, बराबरी का जी अधिकार है, समानता का अधिकार होना चाहिए, बराबरी पे रखना चाहिए, जब अजान में हम लाउड स्पीकर पे, आपने देखा होगा जगह जगह पे अजान होती है जब, तो जी कितना तेज मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है वो टोटल सब जगह सुनाई देता है। आपके घर के नियर बाय जहां पे भी अजान होती होगी वहां से आपको क्लियर आवाज सुनाई देती है। लेकिन जी अब वहीं पे हम बात करते हैं, आपने अभी बोला जैसा कि मैं सुन रही थी, या बहुत समय से इस बातों को उठाया जा रहा है कि हनुमान चालीसा सुनाई जाएगी, तो गलत क्या है? जी बात हनुमान चालीसा के होने ना होने की नहीं है, बात अजान के होने ना होने की नहीं है, बात यह है कि जब हम एक धर्म को, जिसको धर्म में बांट दिया गया है, अब आपने उसको जी धर्म में तो बांट दिया, जब हम एक धर्म को इतना ऊपर रख के बात कर सकते हैं कि उनके अजान को हमें रेगुलर चलाने की इजाजत है, उन्होंने के हिसाब से हमें चलने की इजाजत है, तो हनुमान चालीसा कभी आपने किसी मंदिर में लाउड स्पीकर लगा हुआ देखा है, सुना है? या हम होते कभी हैं जगराता बिल्कुल, कराते हैं, मैं वही बता रही हूँ, जगराता होता है, चौकी होती है, होता इन सब जगह किया जाता है, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा इस चीज को लेके पर्टिकुलर है। आपने देखा कि जब अजान होती है तो अगर हमारे, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, भाजपा के नेता हो, वो अपना भाषण को रोक देते हैं और उस अजान को पूरा होने देते हैं। वहां जी पे हम, हमें इस चीज का नॉलेज है, अंदाजा है, हमारे मन में मान सम्मान है कि चलो ठीक है, हमें किसी की भी मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन क्या वहीं पे, क्या उस श्रेणी के लोग इस चीज को करते हैं कि जहां पे हनुमान चालीसा हो रही है कि वो रुक जाए, या कहीं पे माता की चौकी हो रही है तो क्या वो रुक जाए? या उस समुदाय का सिर्फ इतना ही अधिकार है कि रामनवमी के दिन पे जगह जगह पे आप लोग हमला कराएंगे, पत्थरबाजी कराएंगे, मतलब लोगों की दुकानें आप जलवा देंगे? तो आप ये बताएं ना कि हम किस तरफ हैं। हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, भाईचारा है यहाँ पे, तो हिंदू मुझे ऐसा लगता है सिर्फ चारा बन के रह गए हैं, जी, तो भाइयों वाली बात कहाँ रह गई है? आपका कहने का मतलब ये है कि अजान से जो है साउंड पोल्यूशन होता है, अजान से लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर ये बिल्कुल नहीं आपको होते, मोहित कंबोज जैसे क्यों कह रहे हैं कि हम लोग हनुमान चालीसा सुनाने के लिए मुफ्त लाउड स्पीकर बांटेंगे। उन्होंने तो ऐसा अनाउंस कर दिया है कि वो कल हनुमान जी की जयंती है और वो हनुमान चालीसा सुनाने के लिए मुफ्त उन्होंने पैकेज बना लिए है बकायदा कि वो लाउड स्पीकर बांटेंगे। तो अगर साउंड पोल्यूशन ही होता है तो वो सिर्फ क्या अजान से ही होता है, हनुमान चालीसा नहीं होगा या फिर महाभारत सुनाने से या फिर रामायण अच्छा सुनाने से नहीं अच्छा होगा। अमनप्रीत जी, एक छोटी सी बात जी आप जी ही से पूछूंगी कि बिल्कुल आज तक अजान चलाने पर क्या जी किसी ने रोक लगाई? जी सालों साल से चलती हुई आ रही है, क्या किसी ने ये कहा कि आपने अजान क्यों चलाई, या जी आप क्यों साउंड पोल्यूशन करते हैं, जी या आप हर फ्राइडे के दिन पूरी की पूरी सड़कें क्यों घेर के बैठ जाते हैं, कोई नहीं ये बोल पूछना। सकता कोमल जी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र देश के वासी हैं, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरी आजादी हमारा संविधान देता है। यहाँ देता पे है, हमारा ये लेकिन देश लोग है ना, हमें बोलते क्यों देखने नहीं के लिए है, क्यों है नहीं जी। बोलते? आजादी है तो क्या हम लोग, अगर मेरे को आज के टाइम पे पूजा करनी है तो क्या मैं जी सड़क पे खड़ी हुई सबको लाइन से खड़ा कर दूं, देखिए, उस एक पे हम जगह लोग जाम डिपेंड कर ही दूं? नहीं सकते, इस बात को लेके हम हम नहीं जजमेंट कह नहीं रहे, कर सकते, क्योंकि यही बात आ गई ना, तो हर हम धर्म की लोग, अपनी मैं अपनी वही मर्यादाएं बता रही हूँ होती हैं जी अमनप्रीत जी, मैं वही बता रही हूँ, जब वहां जी पे हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, अजान चलती जी आ रही है तब हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, आज अगर हमने ये बात कह दी कि हम जी हनुमान चालीसा चलाएंगे, तो गलती कहाँ है?
नहीं, गलती इस बात को लेके नहीं है कि आप हनुमान चालीसा चलाएंगे, गलती इस बात को लेके है कि जब जब अजान होगी आप तब तब हनुमान चालीसा चलाएंगे, दिक्कत इस बात को लेके हो रही है। देखिए वैसे तो आप एमएनएस से नाराज ही रहते हैं, आपको राज ठाकरे भी पसंद नहीं है, पर इस टॉपिक को लेके, इस मुद्दे को लेके आप फिर एक हो रहे हैं। अगर एमएनएस इस बात का विरोध कर रही है तो बीजेपी भी उसका साथ दे रही है, तो ये गलत बातों में किसी का साथ देना अच्छी बात नहीं है। अगर देश को तोड़ने की बात कोई कर रहा है तो उसके साथ भाजपा को नहीं जुड़ना चाहिए, उसके साथ हमारी सरकार को भी नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये तो फिर बिल्कुल राज बिल्कुल ठाकरे को प्रमोट करने वाली बात हो गई ना। अगर आप यूपी से लेके महाराष्ट्र तक आपका मुद्दा ही एक हो गया, आप बोलते हो कि आपको अपनी सेलिब्रेशन करनी है, तो मुस्लिम लोग भी हमारे ही कंट्री के वासी हैं, उनको भी अपना जो उनके अगर रमजान चल रहे हैं तो उनको भी मनाना है। कौन सा अमनप्रीत जी, कौन सा अधिकार मुस्लिम लोगों को नहीं मिला हमारे देश में? जी सब मिले हैं आज जी, अगर लोगों को आप बधाई मिलता है नहीं, जी, आज अगर आप अधिकारों की बात करेंगे और ज्यादा बिल्कुल के ज्यादा वेटेज की बात करेंगे तो उनको जी अपनी माइनॉरिटीज के हिसाब से तो सब कुछ मिलता है, उसके अलावा एज एन विमेन होने जी के हिसाब से अलग यही यही कोटे हमारे दिए देश की जाते हैं, खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि माइनॉरिटी है मेजोरिटी ना? को वो इक्वल जो राइट्स देते हैं, हमारा संविधान वो देता है। वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का धन्यवाद करना चाहिए सब मेजोरिटी को। अमन प्रीति डबल बेनिफिट दिए जाते हैं, डोंट यू से लाइक कि एक बेनिफिट दिया जा रहा है माइनॉरिटीज के हिसाब से, उसके जी अलावा भी यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये बात कही जाती है कि मुस्लिम भारत में सेफ नहीं है, जी मुस्लिम को यहाँ पे वैसे डर तो लगता है। भाजपा भी कहती है कि हिंदू को खतरा है, तो भारत में हिंदू को खतरा कहाँ से आ गया? हिंदुओं का देश है, हिंदू की मेजोरिटी है, फिर भी आप बोलते हो हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारा गृह मंत्री हिंदू है, आपकी लेकिन आप ये मैक्सिमम देखिए लैंग्वेज ना चेंज है, आपकी अमन सरकार है, प्रीति, इंडिया में बहुत सारे हिंदू ही है, फिर भी आप बोलते हो हिंदू खतरे में है, अमन तो प्रीति आप फिर भी आप कैसे ये बोलते हो? देखिए, ये देखिए जी ना, हिंदू राष्ट्र है, आप मानते हैं हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम्स है टोटल कैलकुलेट कर जी लीजिए, वहां जी पे हिंदुओं से ज्यादा एज कंपेयर अगर हम करेंगे तो मुस्लिम्स को, जी माइनॉरिटीज को डबल बेनिफिट दिया जाता है। जी फिर भी अगर ये बात सुनने में आ जाए कि हम भारत में सेफ नहीं है, हम यहाँ सेफ, आपने यहाँ के दिल्ली के दंगे कह लो, कहीं पे आजकल जो दंगे हो रहे हैं, रामनवमी के दिन जितना कुछ हो गया, वहां पे जी आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? एक इसी चीज पे आवाज क्यों उठाई जाती है कि हमें हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम हो गई, हमें रमजान से प्रॉब्लम हो गई, हमें अजान से प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक अगर जी हिंदुओं का त्योहार है, रामनवमी के दिन पे कहीं पे जुलूस निकल रहा है, कहीं पे शोभा यात्रा निकल रही है, तो वहां पे दंगे क्यों भड़काए जा रहे हैं? आप नोटिस करिए, अगर मैं एमपी की बात करूंगी तो वहां पे पर्टिकुलर एक जिले में, एक जगह पे आप लोगों का मोमडन का घर है और एक जगह पे हिंदू का घर है, जी दोनों में से हिंदू के घर को पूरा जला दिया, जी पत्थरबाजी कर दी, सब कुछ कर दिया, वहां के लोग घायल है, कोई मर गया, कोई कट गया, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वही बिल्कुल जी बराबर वाला चिपका हुआ घर जो है वो बिल्कुल ठीक, तो अभी ऐसा क्यों? बलडोजर बाबा और बलडोजर मामा के नाम पे क्या हो रहा है? ये भी तो वही कर रहे हैं, टारगेट करके उनके घरों को गिराया जा रहा है, ये हमारा टारगेट संविधान क्यों नहीं हो रहा करता। है? अगर वो टारगेट कल्प्रिट क्यों है, होता है? तो अगर वो उनका जो उनके ऊपर साबित हो जाते हैं उनके दोष, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, पर ये कहीं नहीं लिखा कि उनके मकान गिरा दिए जाए, ये कहीं नहीं लिखा कि उनकी दुकानें जला दी जाए, या उनको बलडोजर से खत्म कर दिया जाए, वैसे ये अमनप्रीत जी, गलत हम है। कैसे, अच्छा एक छोटी सी बात आपको बोलूंगी, जी जी शायद आप बिल्कुल अंदर खाने में मेरी बात से सहमत होंगे, मेरे को इतना यकीन है। अच्छा जी छोटी सी बात मेरे को बताइएगा, जब हम लोग ये कहते हैं कि ना किसी भी अगर क्राइम का जजमेंट ना टाइम से नहीं आता, जी जजमेंट बिल्कुल ना जल्दी नहीं मिलता, मतलब जी कोर्ट लटकाता रहता है, वकील धक्के खिलाता रहता है, हम इतनी सारी बातें करते हैं, देखिए और कोमल जहां जी, पे हम कहते हैं, आप सुनिए, स्टेट में जहां पे हम हम कहते स्टेट की हैं बात कि करते हैं, स्टेट एकदम में से भी आपकी स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट है, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है, तो यही फिर मैं बता रही आप हूँ, क्यों नहीं लगा रहे हो? आपकी ही आप हाथी सुन है तो ना लीजिए, सब। जी आप सुन तो लीजिए, और जी जी जहां पे बिल्कुल गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेने लग जाती है, वहां जी पे बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा की बात आ जाती है। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले तो गलती, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले ले तो गलती, जी मतलब इधर दिस वे जाएंगे और दैट वे जाएंगे, है ना? आप कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, काम तो काम है, सजा तो सजा है, गलती तो जी गलती है। आपने देखा यूपी में किस हिसाब से योगी जी ने जब क्राइम को कंट्रोल किया, उसके बाद से आज वहां पे क्राइम रेट और लोगों की मानसिकता देखिए, अगर वहां पे ये सब चीजें नहीं होती, क्या दोबारा हम पूर्ण बहुमत के साथ क्या यूपी में जीत कर मैडम, आते? अलीगढ़ कहाँ आता है कोमल जी? अलीगढ़ कहाँ आता है? यूपी में ही आ रहा है ना। एबीपी ने बिल्कुल अनाउंसमेंट कर दी है कि वहां पे वो कल जो हनुमान जयंती मनाएंगे, तो वो 21 चौराहों पे लगाएंगे, ये अपने स्पीकर लगाएंगे और वहां पे हनुमान चालीसा चलाएंगे।
ये तो शरेआम हनुमान चालीसा की भी तोहीन है। देखिए हनुमान चालीसा नहीं, एक गलत पवित्र, क्यों है, गलत जी, क्यों है, गलत इसमें गलती क्या इसलिए है? है कि हनुमान चालीसा मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको, वो मंदिरों में बजता है, बजना चाहिए हनुमान जब उनकी जयंती है तो बजना ठीक बात है। पर अगर उसको इस बात के साथ जोड़ा जाए कि जब जब अमनप्रीत जी अजान होगी तब तब उसको चलाया जाएगा, बात यहाँ पे गलत है। अजान के साथ उसको जोड़ा जा रहा है इसलिए गलत है। और अगर प्रशासन से उन्होंने परमिशन ली, प्रशासन ने भी मना कर दिया, तो आपके लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर प्रशासन मना कर रहा है, अगर वहां उनको लगता है कि इस चीज से दंगा फसाद हो सकता है, तो वो लोग क्यों नहीं एबीपी वाले मान रहे? क्यों उन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि वो कल अलीगढ़ के 21 चौराहों में लाउडस्पीकर लगा के हनुमान अच्छा चालीसा चलाएंगे? जी अमनप्रीत जी, जो दंगे हो सकते हैं वो हनुमान चालीसा के चलने पे ही होंगे। रामनवमी पे जितना भी पत्थरबाजी हुई, जितनी भी मारकाट हुई, उससे कोई दंगे नहीं होंगे। वो जी दंगे ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हनुमान चालीसा चल जाएगी तो दंगे क्रिएट हो जाएंगे। जी उस ऐसा पर आप ऐसा जांच कैसे बिठाइए निर्णय है? ना, उस पर आप जांच बिठाइए ना। अगर रामनवमी बिल्कुल वाले दिन जांच दंगे होगी, फसाद हुए, बहुत बिल्कुल सारी होगी। चीजें ऐसी सामने आई है कि ऐसा लग रहा है कि ये वेल प्लान है और किसी ने प्लान करके ये सब करा है, तो आप इस पर जांच बिठाइए। जो दूध का दूध है, बिल्कुल पानी का जांच चल पानी रही हो है। जाएगा। क्यों, जी आप एक बिल्कुल बताए, जांच नहीं चल रही होती तो क्या अभी तक कहीं ना कहीं जितने एक्शंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से सरकार के जरिए लिए जा रहे हैं, क्या वो लिए जाते? वरना अब तक तो वही है ना, केस ठंडे कहते ना बिस्तर में, या बिल्कुल बैग के अंदर यू पैक करके रख दो, किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से, वो काम वैसे होता। तो बजरंग पुनी को भी आज ही अरेस्ट किया गया मैडम, उसको भी इतना डिले मिल गया। पुलिस के होते होते उसने इतनी धमकी दे दी, क्या मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाएं इनमें क्या डिफरेंस है, उनकी इज्जत में डिफरेंस है क्या? तो ये चीजें बिल्कुल गलत है डिफरेंस ना, नहीं है। गलत जो हो रहा है वो देखिए तो दिख रहा है, अमनप्रीत ऐसा जी, तो दिख रहा है। जहां जहां महिलाओं की बात होगी, उनके आत्मसम्मान की बात होगी, वहां हम सारे जी खड़े हैं। कोई ऐसी दिक्कत जी वाली बात नहीं है, आपकी चाहे तरफ कोई भाजपा के ध्यान नहीं है कार्यकर्ता ना, हो। कोई कोई स्मृति ईरानी, कोई कोई भी आपकी भाजपा की जो फीमेल कार्यकर्ता है, किसी ने ऐसा किया दिया नहीं बयान कि बजरंग पूनिया ने गलत किया है, उन्होंने क्यों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए ये बोला कि बलात्कार किया जाएगा मुस्लिम महिलाओं के साथ। मैंने ऐसा सुना नहीं है। आपने अगर विरोध किया है, आपको सामने आना चाहिए था, अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं आई तो। किसी के कोई स्टेटमेंट, किसी का ट्वीट हमने पढ़ा नहीं है, खासकर भाजपा जो महिलाएं हैं उनका। देखिए मतलब इट मींस भाजपा से कितनी उम्मीदें हैं सबको, कि मतलब बिल्कुल ऐसे मुद्दे पे, क्योंकि है, हम सरकार इसीलिए में हैं, दूसरी बार भाजपा मैं सरकार समझ रही दूसरी हूँ। बार सेंटर में है और यूपी में भी दूसरी बार बिल्कुल है। निस्संदेह लोगों की बिल्कुल उम्मीदें हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, तो लोग चाहेंगे कि आप उनकी बात सुनें। बिल्कुल होना भी चाहिए। देखिए अमनप्रीत जी, जहां पे महिलाओं की बात है और उनके आत्मसम्मान की बात है, वहां पे हम लोग निरंतर खड़े हैं, पहले भी बिल्कुल खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े हैं, और हमेशा चाहिए। खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल जी उनके साथ खड़े। उस चीज के लिए हमारे 3 तलाक क्यों हटाया गया? मुस्लिम महिलाओं के लिए ही ना, कोई मेरे आप जैसों के लिए तो नहीं हटाया गया। बिल्कुल हमें तो, बिल्कुल आपको या बिल्कुल हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती थी 3 तलाक से, किसको? मुस्लिम बहनों को ही तो तकलीफ होती थी, तो जी उन्हीं के लिए काम किया गया ना इस चीज पे। जी बिल्कुल भाजपा सरकार जो काम करती है ना, वो सबको बिल्कुल इक्वालिटी को रख के काम करती है। हम लोगों ने कभी भी इस चीज में नहीं किया कि आपको ज्यादा बेनिफिट दे देंगे तो मुझे कम देंगे, या कोई मुस्लिम महिला होगी तो उसको और कम दे देंगे। बल्कि आप नोटिस करना, देखिए, हमसे ज्यादा उनको अगर अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर अगर भाजपा सरकार ऐसा सोचती है, तो देखिए जो साउंड पोल्यूशन ना अजान से हो रहा है, वही सेम साउंड पोल्यूशन हनुमान चालीसा बजाने से भी होगा। ये